नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। टिहरी देवप्रयाग थाना देवप्रयाग पर ग्राम प्रधान महर श्री होशियार सिंह द्वारा सूचना दी गई कि जय सिंह पुत्र स्वर्गीय चंदी सिंह निवासी ग्राम महल उम्र 72 वर्ष को पैरालाइज अटैक पड़ा है। इनके घर में इनके बुजुर्ग औरत के सिवाय कोई नहीं है। इनके बच्चे दिल्ली सर्विस करते हैं। सूचना तुरंत थाना अध्यक्ष महिपाल सिंह रावत, देवप्रयाग कांस्टेबल 288 रविंद्र सिंह होमगार्ड और प्रकाश मय एम्बुलेंस के ग्राम पहुंचे और गांव से उक्त व्यक्ति का घर 1 किलोमीटर सड़क से दूर था। कांस्टेबल द्वारा उक्त व्यक्ति को गांव के प्रधान की मदद से अपने गोद में उठाकर सड़क तक लाया गया तथा उपचार के लिए एम्बुलेंस से CAC बागी भिजवाया। डॉक्टरों द्वारा व्यक्ति की स्थिति हालत स्थिर बताई जा रही है और खुद भी हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर से वार्ता कर इनका तुरंत उपचार करने हेतु बताया गया, जिसके बाद तुरंत उपचार मिलने पर इनकी बुजुर्ग पत्नी और गाँव वालों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी और टिहरी पुलिस को धन्यवाद दिया, जिनके द्वारा कोविड महामारी में इतनी अच्छी व्यवस्था की गई। कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों को कम दर्शाने के लिए छुपाने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 24 अप्रैल से 12 मई के बीच कोरोना से हुई 65 मौतों की जानकारी को स्टेट कोविड कंट्रोल रूम को नहीं दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की जांच के बाद मामला सामने आया। हरिद्वार के 500 बेड वाले बाबा बर्फानी अस्पताल में इससे पहले भी कई अव्यवस्थाएं सामने आ चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्टाफ की कमी के चलते डाटा अपडेट नहीं हो पाएगा। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारियों में ढिलाई के मुद्दे पर भाजपा के भीतर शुरू हुए विवाद पर कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़े कर दिया है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, संक्रमण गांव तक फैलने लगा है और सरकार के मंत्री विधायक अहम की लड़ाई में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया, बावजूद इसके सरकार राजधर्म निभाने की जगह मंत्री विधायक एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम कर रहा है और इन परिस्थितियों में सरकार का जो राजधर्म बनता है कि वो कोरोना की इस महामारी में जो आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है उसको उठाने का काम करे। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। हम अगर कुछ कहते तब भी भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। अरे हम तो विपक्ष में है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर सरकार कोई कदम नहीं उठा पा रही है, सरकार कोई कमी कहीं पर कमी रह जाती है तो उसको उजागर करने का काम हम करते हैं। आ तो हालत एकदम विपरीत है। आ तो सत्ता में बैठे हुए लोग जो है सत्ता संघर्ष में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लगातार कोरोना काल में उत्तराखंड की मदद कर रहे हैं। ऐसे में सांसद द्वारा भेजी गई मदद अब आम जनता को मिलने लगी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर ट्रक पौड़ी मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान जिलाधिकारी विजय कुमार जोगडंडे ने लगाए गए मेडिकल उपकरणों का निरीक्षण किया, जिसमें चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जनपद के चिकित्सालय में वितरित किया जाएगा। बता दें कि सांसद ने 50 लाख की धनराशि स्वास्थ्य उपकरण खरीदने के लिए दिए हैं। उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में कांग्रेसी आज सांकेतिक उपवास पर बैठे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की है। गांव-गांव तक कोरोना का संक्रमण फैल चुका है लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, जिसके विरोध में सांकेतिक उपवास रखा गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी जनपदों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री और पौड़ी एवं रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आज करीब 250 ऑक्सीजन सिलेंडरों को अपने डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास से रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी ओर से करीब 500 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए थे, जिनकी पहली खेप के तहत 250 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं। जल्द अन्य सिलेंडर भी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही 250 सिलेंडर पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, श्रीनगर, कोटद्वार, देहरादून आदि के अस्पतालों में भेजे जाएंगे, जिससे मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति मिल सकेगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।